अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ये रेगुलेटर इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताता हूँ। बल्कि मेरा ये सिलेंडर एक एक्स्ट्रा है, तो उसको मैंने रेगुलेटेड करना था, तो इसको मैं आज इंस्टॉल करने लगा हूँ। दोस्तों, आपके साथ भाई ने इसको बनाया है, एक्यूरेसी पाकिस्तान वाले जो हैं, तो इसको मैं इंशाल्लाह आज इंस्टॉल करूँगा। तो एक तो जिन दोस्तों ने कभी इंस्टॉल नहीं किया उनको मैं तरीका भी बता देता हूँ इसको इंस्टॉल करने का, और दूसरा ये कि एक बेहतरीन रेगुलेटर है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। तो आइए इसको इंस्टॉल करते हैं। मैंने जब BT65 ख़रीदी थी तो एक एक्स्ट्रा सिलेंडर मैंने उसका ख़रीद लिया था, तकरीबन कोई 2-3 साल से वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। आज मैंने कहा चलो इसको भी रेगुलेट करते हैं, तो ये इसका सिलेंडर को रेगुलेट करते हैं। ये जी सिलेंडर है, इसकी एयर जो है वो निकालनी है, पहले एयर इसकी बिल्कुल निकली हुई है, ज़ीरो है। एयर हमेशा इसकी बिल्कुल निकाल के फिर आपने वर्किंग शुरू करनी है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक काम है, बड़ी एहतियात करनी है। इसकी सारी एयर निकली हुई है, इसके बाद में हमने रेगुलेट इसको हमने कैप इसकी इसको हमने यहाँ से मैंने खोल लिया इसको। अब इसको मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमने लगाना इस ये जो छोटा सा सुराख है, इससे हवा इंटर होती है, और ये जो बड़ा गैप है इसमें आके हवा की ख़ास मकदार आ जाती है, जो कि आगे जब शॉर्ट मारते हैं तो सेम FPS में हमें ये ख़ास मकदार में जो हवा आगे चाहिए होती है वो इधर से आती है। और ये इसकी इसको खोलेंगे, नीचे इसकी एडजस्टमेंट है, तो इसको हमने इस जगह को हमने इस वाले पार्ट को हमने आगे की तरफ करना है, क्योंकि हवा इस जगह पे हवा ने सारी नाना है, और इधर से निकल के वो हमें चाहिए होती है, इधर से निकलती है, जब हम शॉर्ट मारते हैं तो इस तरफ से बाहर को निकलती है। इस जगह पे हमने इसको इंस्टॉल करना होता है। इसका तरीका आपको मैं बताता हूँ। सिलिकॉन ग्रीस जो है इसको हमने इस पर इसके ओरिंग्स पर लगा लेना है। सिलिकॉन ग्रीस जो है ये ज़रूरी है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा लगा लेते हैं ताकि आसानी से इस सिलेंडर के अंदर चली जाए। ये कोरिंग ये है, इसमें भी हमने सिलिकॉन ग्रीस लगा लेनी है। सिलिकॉन ग्रीस लगा लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये सिलेंडर पड़ा हुआ था, तकरीबन कोई 2-3 साल से, तो खोलने में मुझे काफ़ी दुश्वारी हुई, तो इसलिए इस पर भी ग्रीस लगा लेते हैं ताकि कभी दोबारा खोलना पड़े तो आसानी से खुल जाए। इसको जनाब जब हमने इसके साथ कस देना, ये जी BT65 का सिलेंडर जो है वो रेगुलेट हो चुका है। ये सारा काम था, कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्सर दोस्त हैं वो टेंशन लेते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल काम है, पता नहीं कैसे किया जाएगा, सिंपल है, ये हो चुका है। अगर आपको फील हो कि इसके FPS आपने कम करने हैं या ज़्यादा करने हैं,
तो वो जो ब्रेक वाला आगे पार्ट है उसके आगे एक पेच लगा हुआ है, उससे एडजस्टमेंट आप इसकी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज अगर आप उसको घुमाएंगे तो FPS कम होंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसके FPS जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको जितने FPS चाहिए उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। बट मैंने इसे 220 बार पे एडजस्ट कराया, 120 बार पे मैंने इस रेगुलेटर को मुस्तफा प्रसाद भाई से सेट कराया। तो 120 बार से पहले पहले जो शॉट मुझे मिलेंगे वो रेगुलेटर शॉट मिलेंगे। तो अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। तो जैसे ही मैं कोई इसकी अब दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो आप दोस्तों से शेयर करूंगा, बल्कि बहुत जल्द मैं इसके ग्रुप की वीडियो इंशाल्लाह शेयर करूंगा और इससे इसकी परफॉर्मेंस भी चेक होगी। और देख रहे हैं कि अल्ट्रस ऑलरेडी मैं पहले जो सिलेंडर यूज़ कर रहा हूँ, जो गन VIC-65 में जो रेगुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो अल्ट्रस का है, तो उसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और इसको अब इंशाल्लाह चेक करते हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। दोस्तों से फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ों को डिग्रेड ना करें, उनको चेक करें। मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये रेगुलेटर जो है हुमा के रेगुलेटर के बराबर काम करेगा, उससे अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह, मुझे बड़ी उम्मीद है। तो अब इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत हाज़िर होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।